नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। इस वक्त मौजूद हैं हम रामानंद यादव के आवास पर। आपको बता दें कि यहां पर देखिए किस तरीके से रामानंद यादव मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। कल इन्होंने मंत्री पद का शपथ लिया है, कल मंत्री पद का आपने शपथ लिया, क्या कहेंगे? कल मंत्री पद का शपथ लिया, हम अभी विभाग में, विभाग का भी समीक्षा किया नहीं है। समीक्षा करने के बाद पूरा डिटेल विभाग के संबंध में बात करेंगे। कई मंत्रियों ने अपने अपने विभाग को जाकर देखा है, आप हाँ, तो हमने देखा जरूर विभाग, लेकिन समीक्षा नहीं किया। 10 मिनट के लिए गए तो सिर्फ ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद चल दिए, क्योंकि कैबिनेट था कल। और अब जाएंगे 2 दिन के बाद, समीक्षा करेंगे, उसके बाद डिटेल बताएंगे कैसे इसका डेवलपमेंट विकास किया जाए उसका। अच्छा, सवाल ये खड़ा हो रहा है कि कल सभी मंत्रियों ने शपथ लिया है, लेकिन आज जो है मास्टर कार्तिकेय के जो है अरेस्ट वारंट जारी कर दिया गया है, ये हम लोग को पता नहीं है। हो सकता है क्या मामला है, तो जांच का विषय है, हम लोग को जानकारी नहीं है। आप लोग को जानकारी होगा, हम तो सवेरे से लोग से मिल ही रहे, लेकिन कल मंत्री पद का शपथ आज तो हुआ, इसमें दो मत नहीं है। वारंट हुआ है, कब का हुआ है ये जानकारी मुझे नहीं है, उन्हीं को पता होगा, तो उनसे पूछे नहीं, पूछना चाहिए था ना कार्तिकेय जी से, वो डिटेल बताते ना। लेकिन कैसे देखते हैं कि आखिर कल मंत्री पद का शपथ और आज अरेस्ट वारंट, कैसे देखते हैं इस चीज़ को? अभी हम पूरा न समझे न बूझे न जान रहे हैं, जांच का विषय है, पूरा डिटेल रहे तब हम इस पर बात करते हैं कि कल ज्वाइन किया और आज वारंट कैसे हो गया, ये तो हम लोग जानकारी है नहीं उनको बारे में। हो सकता है पहले से हो। क्या आपके विभाग से जो रिक्त पदे हैं, क्या उसको भी भरने की कवायद शुरू की जाएगी, क्योंकि 10 लाख नौकरी? माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने पहले ही ओथ लेने के समय कह दिया कि हमने जो वादा किया था 10 लाख का, वो हम पूरा करेंगे, और करीब करीब ये चालू कर दिए, कहाँ वैकेंसी कितना है। मेरा ही विभाग ने, सारा विभाग का, उस पर मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 अगस्त कहा कि 10 लाख नहीं, हम 20 देंगे और उद्योग को बढ़ावा देंगे, उन्होंने भी आश्वासन दिया, कहा है इस पर कार्रवाई हो रही है, कर रहे हैं। चलिए बिल्कुल, तो ये देखिए हमारे साथ रामानंद यादव थे, जो कि इन्होंने भी कल मंत्री पद का शपथ लिया है, और आज ये सवाल खड़े हो गए हैं कि जिस प्रकार से बिहार सरकार में विधि मंत्री मास्टर कार्तिकेय के पर जो है अरेस्ट वारंट जारी कर दिया गया है, हालांकि इनका कहना है कि इस बात की जानकारी हमें नहीं है, लेकिन जो सवाल हैं वो अब खड़े हो गए हैं, और लगातार जो है वो ये सवाल पूछा जा रहा है कि विधि मंत्री के ऊपर जो है वो अरेस्ट वारंट जारी कर दिया गया है, तो ऐसे में क्या मास्टर कार्तिकेय को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, कई लोगों का कहना है कि अब उनके मंत्रिमंडल भी चली जाएगी, उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, इस तरह की बातें कही जा रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इसको लेकर कहा कि हालांकि उस बात की जानकारी उन्हें भी नहीं थी, लेकिन अब देखते हैं कि आगे क्या कुछ होता है। ब्रिज फाउंडेशन के साथ नमस्कार।